नमस्कार। अगर कोरोना के खिलाफ लड़ाई की बात हो तो देश में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो जन सहयोग से इस महामारी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा हुआ है, रिकवरी रेट भी अच्छा है। उनमें से एक राज्य है राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। राजस्थान के राजस्व मंत्री हैं श्री हरीश चौधरी, जो बाड़मेर के बायतू से विधायक हैं। हरीश चौधरी और क्षेत्र के भामाशाहों ने मिलकर बाड़मेर के बायतू में 6 मई को महज 2 दिन में 100 बेड का अस्थायी कोविड हॉस्पिटल तैयार कर दिया। वहीं सांबरा में महज 24 घंटे में ही 25 बेड का कोविड हॉस्पिटल तैयार कर दिया और इन कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन भी इस हॉस्पिटल को बनाने वाले मजदूरों के हाथों किया गया। सबसे खास बात, इन अस्थायी अस्पतालों में 5-स्टार सुविधाएं हैं। राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने 25 लाख विधायक निधि से वे 5 लाख रुपए की सहायता अपनी निजी आय से दी। बाकी का सहयोग क्षेत्र के भामाशाहों ने दिया। इन अस्थायी हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स हर वक्त मौजूद रहते हैं। हर टेबल पर मेडिसिन, मरीजों को खाने की सुविधा भी उपलब्ध है और यह सब कार्य अस्पताल प्रबंधन कर रहा है। आज पूरा देश एक आपदा का सामना कर रहा है। भारत को पूरी दुनिया से मदद मिल रही है। इस मदद को केंद्र सरकार और हमारा गोदी मीडिया मिलकर प्रधानमंत्री की काबिलियत से जोड़कर जनता को दिखा रहा है। लेकिन एक सच यह भी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में, यानी आज से 16 साल पहले, किसी भी तरह की विदेशी मदद ना लेने का फैसला किया था और कहा था कि भारत किसी भी आपदा का सामना करने में सक्षम है। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।